मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, वाणिज्यिक कर पंजीयन और नगरीय प्रशासन विभाग के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रायपुर शहर की जीवनदायिनी खारून नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के साथ ही भाटा गांव से लेकर कुम्हारी तक इसके दोनों किनारों पर एक्सप्रेस वे का निर्माण कराने के लिए सर्वेक्षण और इसका प्रोजेक्ट तैयार करने और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को अब मवेशी मुक्त शहर का अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहरी गौठान का निर्माण पूरा होते ही रायपुर शहर में जहां तहां घूमने वाले मवेशियों को वहां रखा जाए। उन्होंने नगर निगम भिलाई साडा द्वारा लौटाई गई भूमि के नीलाम करने के संबंध में भी विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने कोरोना पीड़ितों, गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंदों के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने अकादमी की ओर से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को सहायता राशि का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए अकादमी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को दुर्ग जिले के अमलेश्वर में 132 केवी क्षमता की विद्युत उपकेंद्र की स्थापना और पाटन स्थित 132 केवी क्षमता के विद्युत उपकेंद्र की स्थापना की क्षमता बढ़ाकर 220 केवी करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। साथ ही इस क्षेत्र के नागरिकों और किसानों को वोल्टेज की समस्या से निजात सहित क्षेत्र के विकास को भी मिलेगी नई गति। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भूमि और मकानों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और सहज बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि रजिस्ट्री के लिए लोगों को दिन दिन भर इंतजार न करना पड़े और ये काम मात्र आधे घंटे में पूरा हो सके, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही आवासीय मकानों के रजिस्ट्री शुल्क में राज्य सरकार द्वारा दी जा रही 2% की रियायत को यथावत जारी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा के दौरान आगामी खरीफ सीजन के मद्देनजर 100% और सटीक गिरदावरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भूमि के नक्शे के जियो रेफरेंसिंग के संबंध में भी अधिकारियों को तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे राजस्व विभाग को कई मामलों में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव, रोकथाम और नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्यों में रोजगार के लिए गए श्रमिकों और व्यक्तियों को अपने राज्य में वापस लाने का निर्णय लिया है। इसके तहत बाहर से आने वालों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा और इसके लिए राज्य के सभी जिलों के ग्राम पंचायत के बाहर क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण और नियंत्रण के लिए जारी लॉकडाउन के बीच भारत सरकार के गाइडलाइन अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में मालवाहक सेवाओं के समय सीमा निर्धारण और माल वाहन के साथ आए ड्राइवर क्लीनर को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि नगरीय क्षेत्रों में माल परिवहन की नहीं होगी अनुमति, केवल रात्रि 9:30 से सुबह 6 बजे तक ही परिवहन की अनुमति होगी। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के अंतर्गत शुरू किए गए व्यापक कार्यों से कोविड-19 के नियंत्रण के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत है। साथ ही लॉकडाउन के बाद अकेले अप्रैल महीने में ही नए और पुराने कार्यों को मिलाकर कुल 548.41 करोड़ रुपए की मजदूरी का भुगतान किया गया है। राज्य शासन द्वारा सामग्री मद में भुगतान के लिए भी 210 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और 50 दिनों के अतिरिक्त रोजगार के लिए 76.94 करोड़ रुपए भी शीघ्र जारी किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 5 मई को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 58 केस पाए गए हैं, जिनमें से 36 ठीक हो चुके हैं और 22 कोरोना पॉजिटिव हैं।